सीपीआई कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायण ने कौमी सतह पर कांग्रेस के ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद की मसाई का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत दस्तूर और सेकुलरिज्म के तहफ्फुज़ के लिए 19 अपोजिशन जमातों ने मुल्कगीर सतह पर मुतहद जदोजहद का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर ने नारायण ने कहा कि कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने हालिया दिनों में अपोजिशन कायदीन के साथ वर्चुअल इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुतहद पॉलिसियां तय की गई। उन्होंने कहा कि 20 से 30 सितंबर अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मुहिम चलाई जाएगी, जिसका मकसद मोदी हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के मजम्मत और अवाम की हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाना है। डॉक्टर नारायणा ने कहा कि तेलंगाना में सीपीआई यूनिट हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद रियासतगिर एहतजाज मुनज़िम करेगा। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा वो अवामी मसाइल पर मगर सचमुच के आंसू बहा रहे हैं, और जबकि टीआरएस से बीजेपी को मिलीभगत है, जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर किशन रेड्डी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट के बाहर मरकजी वजरा अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि तालिबान जितना नुकसानदेह है उतना ही पेगासस जासूसी मामला मुल्क के सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने इसराइल के खुफिया तंजीमों के साथ किए गए माहदात को आवाम के रूबरू पेश करने का मुतालबा किया। नारायणा ने कहा कि मरकज की जानिब से मंजूरा तीनों ज़रई कवानीन पर अमल आवारी से कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा होगा। रियासत सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने टीआरएस से अपील की कि वो 20 सितंबर से अपोजिशन के एहतजाज में शमूलियत अख्तियार करें, क्योंकि मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ आवाम के हक में नहीं हैं। जमहूरियत सेकुलरिज्म और दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए अवाम को मुतहिद होना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा अजीज पाशा ने अपोजिशन इत्तेहाद को खुशाइंद और सेकुलरिज्म और दस्तूर के तहफ्फुज़ के समेत अहम पेशरफ करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने 15 अगस्त को लाल किले से खिताब में अवाम को जोड़ने के बजाय नफरत की बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश की है। तकसीम हिंद के वाक़यात को दोहराने की जरूरत नहीं थी।